गंगा दशहरा पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए रविवार को देश भर में श्रद्धालु पवित्र नदियों के घाटों पर उमड़े। गंगा दशहरा गंगा नदी के धरती पर आने का त्योहार है। इस दिन हजारों श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के संगम में डुबकी लगाई। आज के दिन गंगा की उत्पत्ति हुई थी और इसी मनोकामना के साथ हम लोग गंगा स्नान करने आए हैं और आज यहाँ गंगा के किनारे गंगा स्नान करने के पश्चात पंडा और गरीबों को दान देना हम लोगों का कर्तव्य है। ऐसे अब चलते हुए जीवन के साथ साथ अंतकाल में भी ये दान पूर्ण काम आता है और इससे संसार का भला होता है, देश की उन्नति होती है। आज ही के दिन गंगा जी का यहाँ पूजन भाव करना जी उनके जिसे को आपके यहाँ कोई मेहमान आए उनका स्वागत किया जाता है, ऐसे गंगा जी का पूजन पाठ का स्वागत करना चाहिए। और हम सब गंगा जी हम लोगों के जीवन के प्राण हैं, खासकर हिंदुस्तान के प्राण है। हम सबको चाहिए माँ गंगा आराधना पूजा करें, वंदना करें। ये भी आप जो देख रहे हैं उधर प्रयागराज में इसीलिए आए हुए हैं। माना जाता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति और मोक्ष मिलता है। रविवार की सुबह श्रद्धालुओं ने वाराणसी में पवित्र नदी के घाटों पर पूजा की और डुबकी लगाई। आज के दिन भागीरथ जी ने तपस्या की अपने पूर्वजों को ताड़ने के लिए, तो उन्होंने तपस्या की तो गंगा जी को लाने के लिए, तो उन्होंने पहले ब्रह्मा जी का तपस्या की तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो बोले मैं तो कमंडल से अपना गंगा माता को छोड़ तो दूंगा पर पृथ्वी पे धरती पे आएंगे तो त्राहिमाम त्राहिमाम चाहे तो बोले तब क्या करें। उन्होंने उपाय बताया, शिव जी के पास गए, शिव जी का आराधना की तो शिव जी ने अपने जटाओं में बांधा, गंगा जी को भेजा। तो आज का दिन का महत्व तो ये है कि गंगा किनारे जो भी आते हैं अपने पाप कर्म कष्ट बाधा रोग व्याधा दूर करने के लिए गंगा स्नान करते हैं। बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पर, भगवान की जल भी ले जाते हैं अपने घर और नहाते धोते हैं, पूजा करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं। इस दिन दान पुण्य की काफी महिमा है। उत्तर प्रदेश के भदोही में गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। गंगा जी का आज ही अवतरण हुआ था इस पृथ्वी पे, जिसके वजह से आज गंगा दशहरा पर स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। और खास करके ये सीतामढ़ी घाट है, यहाँ पे जो है बहुत दूर दूर से लोग स्नान करने आते हैं और यहाँ डुबकी लगा करके अपने पापों को धोते हैं। अयोध्या में देश भर से श्रद्धालु पहुंचे, उन्होंने पवित्र सरयू नदी में डुबकी लगाई। स्नान करके स्नान करने से मन खुश हो गया है, अब व्यवस्था बहुत बढ़िया है। कैसी लगी अब? बहुत अच्छा लगे। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा। कहा जाता कई गुना फल मिलता है। हाँ, गंगा दशहरा का बहुत महत्व है, उसके स्नान करने से बहुत मोक्ष मिलता है। यहाँ पर नहाने से कई गुना धर्म का फल मिलता है। यहाँ हम लोग यहाँ नहाने आए। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी गंगा दशहरा मनाने के लिए भारी संख्या में लोग जुटे। गंगा दशहरा है, स्नान करने के लिए आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इस दिन माँ गंगा धरती पे आई थी, बहुत भीड़ है, बहुत आनंद आया जी। गंगा दशहरा था जी, आज नहाने के लिए बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। ठीक है, सभी ने स्नान किया, सभी को एंजॉय। इस खास दिन मथुरा में श्रद्धालुओं ने यमुना नदी में डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं में बहुत अच्छी उमड़ है और यहाँ देखा जा रहा है आपको, बहुत अच्छी सफाई भी है और बड़ा आनंद आ रहा है। 4 बजे तो स्नान चालू हो गया गंगा दशहरा का, तो अभी तो बराबर ही खूब चल रही है। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, इसका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है। माना जाता है कि गंगा नदी में शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से शुद्ध करने की ताकत है। गंगा दशहरा इसकी पवित्रता का सम्मान करने का त्योहार है।